आईपीएल के इन 11 सालों में बदलने को तो बहुत कुछ बदला, पर दिल्ली डेयरडेविल्स के भाग्य बदलते नजर नहीं आए। इन 11 सालों में से दिल्ली एक बार भी फाइनल में नहीं पहुंच पाई, यही नहीं 8 बार अंतिम चार में भी जगह नहीं बना पाई। आखिर क्या कमी रही कि एक दो सीजन छोड़ दिया जाए तो दिल्ली कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। दरअसल पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का कहना है कि दिल्ली अपनी रणनीति को सही रूप में स्टेबल करने में हमेशा नाकाम रही है और उसका पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ही यही है। इस साल की सीजन की बात की जाए तो बीच में ही गौतम गंभीर ने कप्तानी छोड़ दी, फिर श्रेयस अय्यर को कप्तानी करनी पड़ी। खिलाड़ियों के सिलेक्शन में कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई, न बैट्समैन में वो धार दिखी, न कोई ऑलराउंडर ही नजर आया। टीम हमेशा बड़े खिलाड़ियों पर ही निर्भर रही, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग रहे हों या गौतम गंभीर। कोई भी खेल या कोई काम टीम वर्क के बिना सफल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ खिलाड़ियों में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं अच्छे परफॉर्म ना करने पर निकाल ना दिए जाएं। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जब से रिकी पोंटिंग ने हेड कोच का पदभार संभाला है तब से दिल्ली डेयरडेविल्स का परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब हुआ है, और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रिकी पोंटिंग टीम की स्ट्रेटेजी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। दरअसल गौतम गंभीर की कप्तानी से हटने के बाद पोंटिंग ने बयान दिया था कि टीम में नहीं खेलने का फैसला उन्हीं का था, जबकि गंभीर ने एक मीडिया चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि टीम में नहीं खिलाने का फैसला मेरा नहीं था। जबकि रिकी पोंटिंग और गंभीर के बीच विवाद की खबरें भी सामने आ रही थी जो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए अच्छा नहीं था, इस वजह से भी शायद दिल्ली का परफॉर्मेंस खराब हुआ हो। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण चौबे की रिपोर्ट।